नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सब्जियों के पकोड़े, जिसमें एक ही बैटर से सब्जियों के पकोड़े तैयार हो जाएंगे। देखिए ये कैसे बनता है। जैसे मैंने ये बैंगन जैसे मैं गोल करके काट ली हूँ, और एक आलू इसे भी मैं काट लिए हैं, और तीन छोटे छोटे परवल लिए हैं उसे भी मैं लंबा लंबा करके काट ली हूँ, और हाफ इंच अदरक को छोटे छोटे मतलब चॉपिंग चॉप कर लिए हैं, और एक मिर्च इसको भी छोटे छोटे करके मैंने काट ली है। और इसमें लगेगा नमक, हल्दी और काला जीरा, और ये खाने का सोडा, और ये 50 ग्राम बेसन। तो मैंने बेसन में पहले ये काला जीरा, ये हल्दी और ये नमक और ये खाने का सोडा सब कुछ मैंने मिला दिया, और इसमें ये अदरक और ये मिर्च इसे भी दे दिया। अब मैं पानी से इसके घोल बनाऊंगी, जो ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा और ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। जैसे ऐसे ऐसे करके इसे अच्छे से फेंटना पड़ेगा। फेंटने के बाद एक अच्छा स्मूथ एक घोल बना लेंगे। ये बेसन का घोल ना ज्यादा मोटा होगा ना ज्यादा पतला होगा। ये देखिए इस तरह से ये घोल बनेगा। तेल दे दिए हैं। अब मैं इस बैटर में ऐसे बैगन को अच्छा से डीप कर लूंगी, फिर मैं इसे छान लूंगी इस तरह से। मेरा बैगन का पकौड़ा तैयार हो गया है, फिर मैं इसे उठा लूंगी अच्छी तरह से। का पकौड़ा भी तैयार हो गया है, मैं इसे भी उठा लूंगी। अब मैं परवल का पकौड़ा बनाऊंगी। ये देखिए परवल को भी इस बैटर में अच्छी तरह से कोट कर दिए हैं। अब मैं इसे भी तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। परवल के पकौड़े भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसे भी उतार लूंगी। सब्जियों के पकोड़े तैयार हो गए हैं। आप लोग भी इसे बनाइए और खाइए, और अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।